जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुंज फुटबॉल स्टेडियम एबटाबाद में, जहाँ पर पहला अंडर 25 टूर्नामेंट मुनाकद किया गया, जिसमें एबटाबाद की 16 टीम ने शिरकत की। आज जो मैच खेला जा रहा है वो KYC फुटबॉल क्लब एबटाबाद वर्सेस कोहिस्तान फुटबॉल क्लब नवाशहर के दरमियान खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट के जो मेहमान खसूसी हैं वो ISF के प्रेजिडेंट जुल्फकार जदून हैं। आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के इस मैच में तो दो टीमें मद मुकाबला है, आज आखिरी क्वार्टर फाइनल है और आज दो टीमों में क्याल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एबटाबाद और कोहिस्तान फुटबॉल क्लब एबटाबाद की टीमें, नवाशहर की टीमें मद मुकाबले होंगी। हमारे इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये अंडर 25 है और ये एबटाबाद की तारीख में और बिलखसूस कुंज फुटबॉल स्टेडियम में ये पहली मरतबा इस तरह से हुआ कि हमने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है। क्याल यूथ कम्युनिटी का बुनियादी मकसद यही था कि नौजवान बेरा रवि से बच के खेलों की तरफ रगब हो जाएं और ताकि हमारा एक सेहतमंद माशरा परवान चढ़ सके। उस सिलसिले में हमारी बहुत सारी जो काविशें की गई हैं उनमें से ये एक काविश है कि हमने यहाँ पे एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया और इसमें आज क्वार्टर फाइनल तक हम पहुँच आए हैं। क्याल यूथ कम्युनिटी का ये टूर्नामेंट जारी है, मैं तो समझता हूँ कि क्याल यूथ कम्युनिटी जिस तरह स्पोर्ट्स में अपना किरदार अदा कर रही है, क्याल वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके लिए क्याल यूथ कम्युनिटी एक बहुत अच्छा काम कर रही है नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर। तो दोनों टीमें इधर खेल रही हैं, मैं तो मेरी गांव की टीम भी खेल रही है नवाशहर, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी हम तो उसके साथ हैं। दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं तो हमें बहुत अच्छा लग गया इधर आगे। बात ये यहाँ पर आए हुए मेहमान खसूसी ISF के नायब सीनियर सदर जुल्फकार अली जदून साहब से, उनका यही कहना है कि ये जो ग्राउंड का जगह फूट का शिकार है, इसका जो फंड मंजूर हो चुका है बहुत जल्द इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा जो कॉलेज ग्राउंड है एबटाबाद में वो भी बाहर के नौजवानों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द खुल जाएगा। जी।